नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी आशा होम्योपैथिक क्लिनिक से। और दोस्तों, आप सभी ने थूजा, होम्योपैथिक दवा थूजा के बारे में सभी ने सुना होगा। थूजा मदर टीचर, थूजा मस्सों की, जो स्किन पर मस्से हो जाते हैं, वार्ड्स हो जाते हैं, उनकी एक बेहतरीन दवा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, वन ऑफ द एक्सेलेंट मेडिसिन फॉर वार्ड। बट क्या होता है दोस्तों, हर कोई देखता है कि मस्से हो गए। हर कोई व्यक्ति, अगर 100 में से आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 में से लगभग 90-95 लोग ये कहेंगे भाई होम्योपैथी की दवा थूजा लगा लीजिए, चाहे वो डॉक्टर हो या नहीं हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। थूजा दवाई से हो सकता है कि 100 लोग अगर उसको अप्लाई करें, उसका सेवन करेंगे, तो 100 में से 50 लोगों के मस्से झड़ सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सिम्टम्स, मरीज़ के इंडिविजुलाइजेशन पर ही ट्रीटमेंट होता है। तो लोग अक्सर थूजा बता देते हैं, लोग मेडिकल स्टोर से जाके थूजा का सेवन करना शुरू कर देते हैं, उनको फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो थूजा का सेवन करते रहते हैं, महीनों लगाते हैं, थूजा उनको काम नहीं करती। उसके बाद फिर वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसको लेजर से या फिर उसको जलवा देते हैं, लेजर से रिमूव करवा देते हैं, उसको जलवा देते हैं, या अपने ही कोई घरेलू उपाय के सेवन से उसको काट देते हैं, झाड़ देते हैं, लेकिन वो पुनः उसकी रिग्रोथ हो जाती है, वो दोबारा दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर केवल दवाई का नाम बताने से, उसका सेवन करने से ठीक हो जाए, तो फिर कोई बीमारी ही नहीं रहे, फिर तो डॉक्टर का भी कोई काम नहीं है। हम लोग BHMS करके आते हैं, 4.5 साल का कोर्स होता है BHMS, पढ़ाई करके आते हैं, तो हमारी जरूरत ही नहीं है। बुक्स हैं, आप उनको ओपन कीजिए और दवाई का नाम लिखा हुआ उसको ले लीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, बशर्ते आप जाएं डॉक्टर को कंसल्ट करें। भले ही हो सकता है कि वो दवाई आपको दे, 300-400 रुपए की दवाई आपको 15 दिन या 20 दिन की दवा दे दें, या वो हो सकता है 200-250 फीस के बाद में आपको दवाई आपको बता दें, दवाई आप मार्केट से खरीद लीजिए। लेकिन डॉक्टर का बहुत अहम रोल होता है किसी भी बीमारी के इलाज में। केवल गूगल पर सर्च कर लेना, यूट्यूब पर हम बता दें, उससे आप दवाई का सेवन कर लें, बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं संभव होता है दोस्तों। तो डॉक्टर का सलाह बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, मेरे पास एक मरीज़ आया, उसको वार्ड थे, छोटा बच्चा था, 10 साल का, मस्सा था उसको, उसके कान पे मस्सा था और उसके नेल्स पे मस्सा था, नेल्स पे मस्सा और कान पर मस्सा, पिन्ना पर मस्सा, इसको पिन्ना बोलते हैं। यहाँ एक ड्राई वार्ड था, मैं वीडियो में आपको दिखा दूँगा। अब डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर ने उसको थूजा एप्लीकेशन, थूजा की क्रीम दी और एक दवा थूजा हाई पोटेंसी में दे दी और एसिड नाइट्रिक 200 में दे दी। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर भी अक्सर ये गलती करते हैं, वार्ड देखा और थूजा अप्लाई, थूजा का उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, भाई थूजा लीजिए। दोस्तों खासकर डॉक्टर लोग जो देख रहे हैं, देखिए होम्योपैथी में स्ट्रिक्टली वी हैव टू गो टू इंडिविजुलाइजेशन, हमें मरीज़ की व्यक्तिगत जानकारी लेनी पड़ेगी, मरीज़ का पूरा डिटेल केस टेकिंग लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रॉपर केस टेकिंग के बाद में हमें केस को रिपोर्टराइज करना भी पड़ेगा, चाहे वो छोटा केस हो या बड़ी बीमारी हो। मैंने फिर वो मरीज़ आया, मैंने रिपर्टरी ओपन की, रिपर्टरी में जो ड्राई और हार्ड वार्ड होते हैं, मस्से होते हैं, उसमें एंटीमोनियम क्लूडम फर्स्ट ग्रेड में दी हुई है। मैंने उस मरीज़ को एंटीमोनियम क्लूडम 30 पोटेंसी स्टार्टिंग कराई है, और चूंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था कैलकेरिया कार की तरह था, बच्चा तंदुरुस्त मोटा गोल एकदम गोरा बच्चा था, तो कैलकेरिया कार मैंने उसको 200 में दिया है। अब 7 दिन बाद हम देखते हैं दोस्तों उसको क्या रिज़ल्ट आएगा, उसका मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। लेकिन जब हमें रिपर्टरी में दिख रहा है कि भाई इस सिम्टम्स पर ये मेडिसिन है, फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है, तो हमें वो रिपर्टरी जो कह रही है हमें उस पर जाना पड़ेगा। हमें पहले से ही प्रेस जुडिसाइज ऑब्जर्वर नहीं बनना है कि हाँ ये है तो ये दवा देनी है। एक आम आदमी ये गलती करे तो समझ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ये गलती करे तो फिर उसका जो पिछला बैकग्राउंड है, उसकी पढ़ाई लिखाई स्टडी सब बेकार है। तो ये वीडियो मैंने इस उद्देश्य से बनाई है कि हमें प्रॉपर केस टेकिंग करनी चाहिए, केस का रिपोर्टराइजेशन करना चाहिए, और तब हमें दवाई का चयन करना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन हम निरंतर हमें सीखते रहना चाहिए।
तो आई थिंक दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा।